समाजवाद ये वही लोग हैं, ये जयंत चौधरी वाले वही लोग हैं जो कभी समाजवादी पार्टी को गाली देते थे, आज उनकी साइकिल पर सवार है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है। आज किसानों के हित में समाजवादी पार्टी के भैया अखिलेश भी चाहते हैं कि शहादत का जो सम्मान मिलना चाहिए था, शहादत को जो पैसा मिलना चाहिए था हम देंगे। राजनीति ये लोग कर रहे हैं और किसानों को फरमा रहे हैं। देखिए तो आप दे दो ना, शहादत का पैसा दे दो, रोहित जी खत्म कर दो। रोहित जी मैं अपनी बात शहीद हुए हैं, रोहित जी मैं अपनी बात कर संवेदना से मत खेलिए किसानों के। अच्छा मुझे अपनी बात दीजिए रोहित जी, माधुरी जी ने मेरा नाम लिया है, माधुरी जी ने मेरा नाम लिया है, रोहित जी प्लीज किसानों के हित की बात क्यों नहीं करते हो? उद्योगपतियों के हाथ किसानों को बेचना चाहते हो और जब आपकी पोल खुल जाती है तब आप कहते हो कि हम कृषि कानून की वापसी हो, यही चाहते थे, ये हो गया जी, हो गया ना जी। मुझे 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 कुछ बात करने दीजिए। 6% देखिए हमारे लिए रोहित जी प्लीज सुन लीजिए ना, रोहित जी ऐसे डिबेट नहीं करते। उसके बाद मुझे दो अलग गेस्ट पे भी जाना है। हाँ देखिए हमारे लिए चौधरी अजीत सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी, ये हमारे लिए श्रद्धे हैं। मैं बीजेपी से हूँ पर हमारे लिए ये हमारे लिए बहुत बड़े प्रतीक है, हम उनका भी नमन करते हैं। पर मैं आज आरएलडी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, दिल पर हाथ रखकर बोले रोहित भाई हमारे। रोहित भाई जब यूपीए की सरकार थी उसमें आप भी हिस्सा थे कुछ समय के लिए, रोहित भाई किस तरीके का एटीट्यूड था? कितना रुपए का रागी बिकता था? 1500 रुपए का प्रति क्विंटल। मैं आपसे पूछ रहा हूँ गेहूं का दाम, पल्सेस कितने खरीदे इन्होंने? 1,00,000 टन खरीदे, हमने उसको बढ़ाकर 111,00,000 टन खरीदा है 5 साल में। मैं आपको पूछता हूँ कि कितना गेहूं दान खरीदा इन्होंने? 3,74,000 करोड़ का गेहूं दान खरीदा, हमने 8,00,000 करोड़ टन का 8,00,000 करोड़ का गेहूं दान खरीदा है। आप बताइए, आपको पता है, आप इसीलिए छोड़कर गए थे यूपीए? देखिए रोहित जी आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ही इन कानूनों को प्रपोज किया था, शरद पवार इन कानूनों को लागू करने के लिए तमाम चीजें कर रहे थे। आपको पता है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा गया था एपीएमसी पूर्ण तरीके से हटा देना है। चलिए रोहित जी मैं एक ही चीज पूछता हूँ आपसे, आप दिल पे ईमानदारी से हाथ रख के बोलिए, हमने कानून वापस ले लिए, चलिए एपीएमसी पर अब कोई खतरा नहीं। केरल राज्य में, लेफ्ट की केरल राज्य में मंडी नहीं है, मंडी नहीं है, चलिए हमने तो कानून वापस ले लिया। आप केरल से पूछे वाम दल से, वामपंथियों से कि लाइए वहां पर मंडी वापस, दीजिए वहां पर एमएसपी। अरे ये त्रिपुरा में इतने साल राज किया, कभी एमएसपी नहीं दी। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलता हूं, ये समाजवादी ये कांग्रेसी के चक्कर में मत पड़िए, आप तो अच्छे भले लोग हैं, कहां किसके चक्कर में पड़ रहे हैं। और ये किसानों को तो कम से कम मत फंसाइए। किसानों को आज एमएसपी नहीं मिल रहा है, आपने खुद माना है अपने वक्तव्य में कि 96% किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है। मैं आपको बताता हूं क्यों। अरे 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 मेरे बयान का मतलब तो समझो, क्योंकि 23 फसलों के लिए मिलती है, केवल 23 फसलों के लिए मिलती है, इसीलिए ये व्यवस्था पहले से बनी हुई है। को गारंटी करो तो हमारी मांगे क्या गलत है? हम ये कह रहे हैं आप एक ऐसा कानून बनाओ जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस को गारंटी कर दो। उच्च स्तरीय कमेटी में इस विशेष पूरे विशेष मामले पर विशेष एक चिंतन होगा ना, आपके लिए भी एमएसपी होनी चाहिए, रागी उगाने वाले के लिए होनी चाहिए, फल सब्जी वाले के लिए होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उनके लिए भी तो बातचीत करनी होगी ना। आपने एफिडेविट ले लिया है फल सब्जी वालों से कि फल सब्जी पर एमएसपी नहीं है, आपने ले लिया एफिडेविट, दिखा दीजिए मुझे। गलत बात है शहजाद भाई, गलत बात। आप मेरे आपके जवाब ऐसे नहीं, आप मेरी बात सुनो, आप मुझे बताओ किसान मांग क्या रहा है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस पाने का हक नहीं है? क्या किसान को हक नहीं है? नहीं तो उसमें नहीं, 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 सुनिए सर, तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा? कमेटी बनाकर उस पर बात हो, पूरे देश में एक जैसे हालातों पर बात हो ना, कोई अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग कंडीशंस में ना रखा जाए। अगर कमेटी नहीं बनेगा तो सोल्यूशन पर आप कैसे आएंगे? क्या सिर्फ आप 200 किसानों के साथ वहां लाल किले पर चढ़े थे वैसे आप संसद का घेराव कर लेंगे तो हो जाएगा, फिर अराजकता फैला लेंगे तो हो जाएगा? जब आप कृषि कानून बनाते हो तब आपको कमेटी की जरूरत नहीं थी, आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस शहजाद को देवाल खुद कह रहे हैं। आप रोहित जी आपको पता होगा कि उस कृषि कानून के लिए भी कमेटी की बात की गई थी जो आप लोगों ने नहीं मानी, फिर उसे होल्ड किया गया उस कानून को कि 1.5 साल तक होल्ड करते हैं, स्टैंडर्ड कमेटी बनाते हैं फिर बात करते हैं। सर आप लॉजिकल तो रहिए कम से कम। विनय सिंह जी उससे पहले भी प्रेम कुमार जी के पास आ रहे, प्रेम जी, ये पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश इलेक्शन के पहले रचना की अब हम नहीं उठेंगे क्योंकि हमें तो ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमारी ये जो 6 मांगे ये पूरी नहीं हुई, एक नया चिट्ठा दे दिया, लखनऊ में महापंचायत करेंगे, वहां जाकर यहां आकर फिर संसद का घेराव करेंगे, इन सबकी कहां जरूरत है?
माधुरी जी, एक तरफा नहीं है ये, तीन कृषि कानून वापस लिए गए हैं तब भी उत्तर प्रदेश के चुनाव की पृष्ठभूमि है। और दूसरी बात है कि शहजाद जी बोल रहे थे कि वो MSP उनके राज्य में अधिक दिया जा रहा है, अधिक फसलों को दिया जा रहा है, आंकड़े भी दे रहे थे, तो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं वो। MSP किसानों को मिलना चाहिए, वो अधिक दे रही है BJP की सरकार, तो क्यों नहीं चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, दोनों के लिए ये MSP यानी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो किसानों को मिलना निश्चित कर दिया जाए, ये क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर क्यों नहीं जवाब देती है सरकार। वो कैसे होगा कि हम लोग 1000 किसान मिलके जिस दिन शीतकालीन सत्र होगा उस दिन वहां जाके हम घेराव करेंगे, ट्रैक्टर लेके दिल्ली में घुसेंगे, फिर से सारे बॉर्डर्स को सील करेंगे, तभी हो पाएगा। देखिए माधुरी जी, विनय जी जवाब दीजिए। माधुरी जी, आंकड़ों की बात है तो मैं सीधा सीधा एक आंकड़ा प्रेम भाई से पूछता हूँ। इस देश में कितने किसान है? 1,20,00,000 लोग हैं, आधे तो निश्चित रूप से होंगे, ऐसे कहते हैं कि 70% है, आधे तो होंगे, 60 करोड़ होंगे। कितने लोग प्रोटेस्ट में आते हैं? मान लीजिए सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था जिसमें सबसे ज्यादा उत्पात मचा था दिल्ली में, 1,00,000 लोग होंगे, 2,00,000 लोग होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए आप जो बात कर रही है ना कि विपक्ष जो है कंधे से कंधा मिला करके, विपक्ष कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रहा है, विपक्ष डंडे से डंडा मिला के चल रहा है। और इसलिए चल रहा है कि मैं तो चिंतित इस बात पे हो जाता हूं कि ट्रैक्टर खेती के लिए है और ट्रैक्टर से जब उत्पाद मचाया जाता है और ये जब दृश्य देख रही होगी दिल्ली की जनता कि भाई फिर से ये उत्पाद मचने वाला है, तो यहाँ आम लोगों के जहन में कौन सा भय किस लेवल तक ये घुसता है इसका आकलन है कि नहीं है? और प्रेम भाई, आप भी तो रोड से टहलते हैं, रोड से आते जाते रहे हैं, आपको सुविधा नहीं हुई है क्या? मेरा तो सीधा है कि देखिए आप मांगे जो भी, आपके ये तौर तरीके जो है ये कतई ठीक नहीं है।